भोपाल परिवहन क्षेत्र में सुशासन का महत्वपूर्ण कदम, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, शिकायतों पर होगी सख्त कार्रवाई, बंद होगी चेक पोस्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सुशासन के अंतर्गत देश में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इस नाते परिवहन क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कुछ बदलाव किए गए हैं। चेक पोस्ट संबंधी नई व्यवस्था शीघ्र लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि 1 जुलाई से परिवहन चेक पोस्ट जो अन्य प्रांतों की सीमा पर वाहनों के आवागमन के संबंध में भूमिका अदा करती है, वहां संबंधित जिला प्रशासन के साथ तालमेल का वर्तमान में हो रही अव्यवस्थाओं को दूर करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का कदम उठाया गया है। मध्य प्रदेश सुशासन के लिए जाना जाता है। परिवहन व्यवस्था के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर राज्य शासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। नई व्यवस्था से भारी वाहनों के संचालकों को किस प्रकार की असुविधा नहीं होगी, शिकायतों को दूर कर साफ सुथरे ढंग से परिवहन विभाग के मूल्य कार्य को बेहतर ढंग से संचालित करने के प्रबंध किए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री के निर्देश, प्रदेश के 26 जिलों में विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ऐसे जिले चयनित किए गए हैं जो सीमावर्ती हैं। अन्य राज्यों से लगे जिलों में मोबाइल उड़न दस्ते कार्य करेंगे। कुल 45 चेक पॉइंट रहेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन का शासन पूरे देश में चल रहा है। मध्य प्रदेश में भी हमने बदलाव किया है। कल 1 जुलाई से विभिन्न जो आरटीओ के चेक पोस्ट हैं, जो राज्य से बाहर के आवागमन के वाहनों के लिए अपनी भूमिका अदा करते हैं, इन सारे चेक पोस्ट पर सभी जिला प्रशासन के साथ हमने तालमेल करने के लिए और यहाँ होने वाली अव्यवस्थाओं के लिए, खास करके जबरन वसूली के या अन्य अन्य प्रकार की जो शिकायतें मिलती रहती है, इनको सबको दूर करके साफ सुथरे ढंग से जो आरटीओ का अपना मूल काम है, उस काम को करने के लिए प्रबंधन किए गए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में शासन सुशासन के लिए जाना जाता है और मैं भी अपना प्रयास है कि जहाँ जहाँ भी कोई शिकायतें आएगी, सरकार में सख्त कार्रवाई करेगी। उम्मीद करता हूँ कि आरटीओ के इस चेक पोस्ट के बाद हमारे बड़े पैमाने पर आवागमन वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों के संचालकों को, चालकों को, सबको कोई असुविधा नहीं होगी।